पिछले दिनों संपन्न हुए निकाय चुनाव के तहत अमेठी जिले में नवनिर्वाचित 2 नगर पालिका परिषद और 2 नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ सभी नवनिर्वाचित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आज बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न कराया गया। अमेठी जिले में 2 नगर पालिका परिषद और 2 नगर पंचायत की सीटें हैं, अर्थात निकाय चुनाव में कुल 4 सीटें थीं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने विजय हासिल की, जबकि 1 सीट नगर पालिका जायस कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। इसके बाद आज सभी अध्यक्षों एवं नवनिर्वाचित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें सबसे पहले गौरीगंज नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में संपन्न हुआ। तत्पश्चात अमेठी नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह, इसके उपरांत मुसाफिरखाना नगर पंचायत, अंत में जायस नगर पंचायत नगर पालिका सीट पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी, MLC शैलेंद्र सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी की उपस्थिति विशेष रही। जिले के 3 निकायों में अध्यक्ष एवं सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के समक्ष ली। अमेठी नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह को अमेठी तहसील की उपजिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने संपन्न कराया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में गिरीश चंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमेठी की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है, उसके लिए मैं अमेठी की जनता का ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अमेठी में नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में अंजू कसौधन के साथ सभी 12 वार्डों के सभासदों ने जो शपथ लिया है, मैं उनके उज्जवल कार्यकाल की ईश्वर से कामना करता हूँ। अमेठी में जो जनादेश मिला है, उसका सम्मान करके दीदी स्मृति ईरानी के सपने और संकल्पों को साकार करने के लिए अमेठी नगर पंचायत ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ विकास कार्यों में तीव्रता से आगे बढ़ेगी। जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी और विकास के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, उनको पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की ओर से जो परियोजनाएं और धन मुहैया कराने का प्रयास पूरा किया जाएगा तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास रहेगा। जिन हमारे साथी सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अग्रिम पंक्ति में आकर वोट मांगने का सहयोग करने का काम किया है, मैं आपको सम्मानित मंच की तरफ से आश्वस्त करता हूं, आपके मान सम्मान में कभी अगर आंच आई तो आपका ये सहयोगी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और मैं अंजू देवी कसौधन जी को भी यह कहना चाहता हूं कि 15 साल हमने खून पसीना एक करके और कम से कम 28 अपराधी मुकदमों को अपने ऊपर झेला है अमेठी के सुरक्षा और शांति के लिए। मैं आपसे भी पूरी तरह आश्वस्त हूं और आपकी तरफ से आप सबको भी आश्वस्त करता हूं कि जहां अमेठी की मान सम्मान सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, फूलचंद कसौधन को मैं भरी बात जानता हूं कि
यही आपकी ताकत जिला पंचायत और नगर पंचायत दोनों मिलकर के जो युवा बैंक की तरह और हर का काम करेगी दीदी स्मृति रानी ऐसी जुलाई दी जाएगी इतनी अच्छी फसल लहराएगी कि 5 साल में वो होगा जो 15 साल में नहीं हुआ है। और मैं अपने को और भाग्यशाली समझूंगा अगर 5 साल के काम को 15 साल के काम से ऊंचा कर दूं तो मैं समझूंगा कि आप सबका आशीर्वाद मेरे कंधे पे आके लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित जिन्होंने शपथ ग्रहण कराई है इस अमेठी के उच्चाधिकारी प्रीति तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित अमेठी के सभी सम्मानित नागरिक माताएं बहने, मैं आज सर्वप्रथम मैं अंजुली को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की शपथ ली उनको व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय की गहराई से भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते सरकार की ओर से भी उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ और उनके सफलता का ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जो हमारे सभासद में निर्वाचित हुए कारोबारों के बाद उनको भी मैं भेजने की गहराई से भारत सरकार ने जो मंत्रिपरिषद में हमारे आपके लोकप्रिय सांसद मंत्री प्रभारी मंत्री वो जो चाहेंगे विकास के लिए यहाँ के लोगों के विकास की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें विकास कर लेगी उन परियोजनाओं को स्वीकृत कराने सक्षम है। इसलिए मैं कहना आप सौभाग्यशाली विकास की जितनी भी आवश्यकताएं होंगी ये टिप्पणी की सरकार मिलकर उन विकास के कामों को पूरा चलाने का पूरा प्रयास करें। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं क्योंकि हम लोगों की जगह होगा लेकिन इतना जरूर होगा दिल्ली स्मृति रानी का जो संकल्प है विकास कार्य में ही जब उस सपने को साकार करने यानी कि नगर पंचायत अहम भूमिका निर्वहन करेगी और मैं अमेठी को नगर पंचायत के समर्थकों को भी और चेयरमैन को इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी आपको आवश्यकता होगी मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ आपके विकास के काम में कंधे से कंधा मिलाकर योजना को सुनिश्चित मैं निश्चित रूप से सांसदों को भी आश्वस्त करना चाहता भले हम किसी धर्म से जीते लेकिन हमारे विकास हम सब भी जो जीते हमारा एजेंडा विकास हम विकास कैसे अपने मार्ग में करेंगे कोई भी भेदभाव नहीं होगा पूरे पारदर्शिता के साथ काम होगा इस बात को विश्वास दिलाता हूँ। सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सर्वांगीण विकास होगा और हमारी पार्टी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और इसीलिए हम लोग करते हैं सबने मिलजुल करके प्रयास इसलिए अमेठी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ उनके सरकार इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कोई भेदभाव नहीं होगा कोई पारदर्शिता के साथ काम होगा जो भी विकास योजनाएं आएंगी सभी मार्गों में समुचित रूप से चलने का प्रयास होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामना आपके समर्थ कार्यकाल की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ये विकास के काम कैसे तेजी के साथ उसको करने का पूरा प्रयास करें जो जनता की भावना जो जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया उस कसौटी पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो चेयरमैन जी है आपकी कसौटी पर पूरा खड़ा उतरेगी और इस समिति का सर्वांगीण विकास का एक उनके अंदर कहा जाए नक्शा होगा कैसे इसका काम प्रकाश की आवश्यकता कहा नाली की आवश्यकता कहा जल निकासी की आवश्यकता कहा जल संचय की आवश्यकता जो मूल रूप सुनाए उनको ध्यान में रखकर आयोजना बनाकर उसको बड़े करने का काम करेगी। आप सब को इस बात के लिए मैं एक बात